तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो लोग अभी तक अपना फ्री फायर का अकाउंट नहीं बना सकते, वो कैसे अपना फ्री फायर का अकाउंट बना सकते। और मैं आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एक नहीं अब हजारों अकाउंट बना सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। तो वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आप भी सीख जाओगे कैसे फ्री फायर का हजारों अकाउंट खोल सकते हो एकदम सिंपल ट्रिक से। आप फेसबुक से, गूगल से, या आप गेस्ट अकाउंट भी खोल सकते हो, कोई भी अकाउंट खोल सकते हो फ्री फायर के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं यार, वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा और जो भी मैं कहूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो आप भी बहुत सा अकाउंट खोल सकते हो फ्री फायर का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इधर से मतलब गेम से पूरा बैक चले जाना है। जाने के बाद आपका फोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सिंपली सर्च करना है फेसबुक, फेसबुक सर्च कर लेना है और फेसबुक आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके फोन में फेसबुक पहले से डाउनलोड है तो अपडेट मांगेगा, तो सबसे पहले आपको अपडेट दे देना है। देने के बाद आपको सिंपली फेसबुक को ओपन कर लेना है। देने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको सिर्फ एक क्रिएट ए न्यू लॉगिन ऐसा आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इधर गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक नाम देना है, आप जो भी नाम अपना देना चाहते हो वो नाम दे देना है। और लास्ट में मतलब सेकेंड में आपको टाइटल देना है, जो भी आप देना चाहते हो तो आप दे देना है। तो देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है देने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। करने के बाद आपको सिलेक्ट बर्थ डेट, आपकी जो भी बर्थ डेट है वो दे देना है। देने के बाद सेट पे क्लिक कर देना है, सिंपली सेट पे क्लिक कर देना है, बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है यार। आपको आपका बर्थ डेट देने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके नेक्स्ट या सेट जो है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इधर आपको फीमेल, आप अगर लड़का हो तो मेल देना, अगर लड़की हो तो फीमेल दे देना है। देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। करने के बाद आपको फोन नंबर मांगेगा, तो आपको जो भी फोन नंबर है आपके पास है वो नंबर आपको देना है। देने के बाद एक न्यू पासवर्ड देने का जगह मांगेगा, तो न्यू एक पासवर्ड दे देना है आपके हिसाब से। और ये पासवर्ड याद रखना है ताकि आप कोई भी इसे लॉगिन करो या जो भी करो यार वो आपको याद रहे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आई एग्री वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली उस पर टैप कर देना आई एग्री पे। तो बस आपका अकाउंट जो है, आपका फेसबुक अकाउंट थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा, एकदम न्यू अकाउंट खुल जाएगा। इससे आप अपना फ्री फायर अकाउंट आराम से चला सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो सिंपली आप इधर से बैक चले जाओ। जाने के बाद आपको सिंपली गेम में जाना है। जाने के बाद सिंग इन विद फेसबुक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने फेसबुक से ही बताया, तो सिंग इन विद फेसबुक पे टैप कर देना है। करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लेने के बाद आपका अकाउंट जो है फ्री फायर अकाउंट फेसबुक से कनेक्टेड हो जाएगा, फेसबुक से खुल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आप जैसे फेसबुक ओपन करोगे उसके एक घंटे के बाद ही आप फ्री फायर के साथ कनेक्टेड कर सकते हो। तो जैसे एक घंटा हो जाएगा आप आराम से अपना फ्री फायर अकाउंट के साथ कनेक्टेड कर लेना है, बस इतना ही करना है। तो आप अपना हजारों अकाउंट ऐसे बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं यार, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आप चाहते हो गूगल से अकाउंट खोलना, वो भी और भी आसान है। अगर गूगल से खोलना चाहते हो तो कमेंट्स पे जरूर बताना, मैं फिर से बता दूंगा कैसे आप गूगल से अपना फ्री फायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चलो आज का वीडियो बस इतना तक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड।